Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Grasp the Knowledge. So today we are learning about some basic accounting terms which will help you to clear your basic in class 11, 12th and further graduation as well. So without wasting any time, let's get started. जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, हम हमेशा अपने बिजनेस को एज्यूम करके चलते हैं. So here we are also assuming our business. So our first basic accounting term is business transaction. Now what is business transaction? Business transaction को एक another name दिया गया, that is your financial transaction. What is now business transaction? The transactions which are expressed in the terms of money and which changes financial position of a business. Business transactions वो transactions होती हैं जो एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है. इट मींस प्रॉफिट्स ज़्यादा हो जाते हैं, कभी हमें लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जिन्हें हम मनी की टर्म में, मॉनेटरी वैल्यू में हम मेजर करते हैं. दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल बिजनेस ट्रांजेक्शन एज फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. नाउ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, जिस गुड्स एंड सर्विसेज में हमारा बिजनेस डील करता है उसका सेल एंड परचेज इंक्लूड होता है. नाउ दिस इज आर बिजनेस ट्रांजेक्शन. सेकेंड टर्म है हमारी एसेट्स. नाउ व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स क्या होती है? हमारी अमाउंट और प्रॉपर्टी विच इज पोजेस्ड बाय द ओनर. वो अमाउंट या वो प्रॉपर्टी जो एक ओनर के अंडर में होती है, जो एक ओनर के पोजेशन में होती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रॉपर्टी, कैश, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, किसी भी टाइप की कोई भी ऐसी चीज जो ओनर के पोजीशन में हो, जो ओनर की हो, दैट इज टर्म्ड एज एसेट्स. नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटीज. जस्ट अपोजिट टू एसेट्स लाइबिलिटी होती है हमारी. व्हाट इज नाउ लाइबिलिटी? ऑब्लिगेशन और द डेट दैट इज पेबल बाय द एंटरप्राइज और द बिजनेस. नाउ लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऑब्लिगेशन और डेट दैट इज पेबल बाय द एंटरप्राइज. जो एंटरप्राइज पेबल होता है, जो एंटरप्राइज को पे करनी है, और उसको पे करने के लिए ये एंटरप्राइज लायबल भी है. इसमें क्या लिखा है? फॉर विच द बिजनेस इज लायबल टू पे. वो चीज जो बिजनेस लायबल भी है पे करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल. जब हमारी हम टोटल एसेट्स में से हमारी जो कैपिटल है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज निकल आती हैं. नाउ व्हाट इज कैपिटल? यू विल लर्न इन नेक्स्ट फ्यू टर्म्स. अब लाइबिलिटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. नाउ इंटरनल लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच वी हैव टू पे विद इन द एंटरप्राइज, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच वी हैव टू पे आउटसाइड द एंटरप्राइज. जो हमें बाहर वालों को पे करनी होती है वो एक्सटर्नल, और जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें पे करनी होती है वो होती है हमारी इंटरनल.